क्वीनिडा और ग्रेटर नोएडा में बदरी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार सर्दी का सितम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के कारण जहाँ पर शरीर सुन्न पड़ने लगा है, वहीं बेहद घना कोहरा सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर दो हादसों में दो बच्चे समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। थाना धनकौरी प्रभारी ने बताया है कि जेबर प्लाजा से 20 किलोमीटर पहले नोएडा से आगरा विपरीत दिशा में आ रही एक डस्टर गाड़ी को शैलेंद्र कुमार चला रहे थे, जबकि सामने अपनी साइड में चल रही गाड़ी जॉय सुशील चला रहे थे, जो कि दिल्ली मिर्जापुर जा रही थी। कोहरे के कारण दोनों गाड़ियों में आपस में टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये दुर्घटना MP से आ रही थी गाड़ी से ऊपर से मेरठ के लिए, और नीचे पॉइंट पर आके वो आराम से चल रही थी गाड़ी, देखा नहीं कोहरे में कुछ भी, तो गाड़ी दुर्घटना से पलट गई कोहरे के कारण। कौन कौन इसमें? रियान और दानिश। कितनी चोटें लगी उनको? रियान का फ्रैक्चर है, दोनों को एडमिट कर दिया। कहाँ जा रहे थे आप गाड़ी? मेरठ लेके जा रहे थे।